नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। 11 अक्टूबर को पूरे विश्व ने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। इस दिन दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली महत्वपूर्ण चीज हुई कि राजस्थान सरकार ने जो मैरिजेस अमेंडमेंट बिल लाया था, उसमें जो उन्होंने बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया था, उसकी कड़ी आलोचनाओं के बाद उन्होंने उसे वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम गवर्नर से आग्रह करेंगे कि उस पर हस्ताक्षर ना करें ताकि वो एक्ट बने। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज हुई कि सेव द चिल्ड्रन संस्थान ने, सेव द चिल्ड्रन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट ने कहा है कि पूरे विश्व में जो बाल विवाह है उसकी वजह से जो गर्भाधारण होता है, जो बच्चियां कम उम्र में मां बनती हैं, उस वजह से 22,000 लोगों की, 22,000 बच्चियों की पूरे विश्व में मौत हो जाती है। अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो यह आंकड़ा 60 का रहता है। 60 बच्चियों की मौत प्रतिदिन बाल विवाह के कारण हो जा रही है। आज हम इसी प्रमुख मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी शमीना जी। शमीना पूर्व सदस्य रही हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी भारती अली जी। भारती अली जी महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं, लगातार अपनी आवाज उठाती रहती हैं, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हक की। हक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स है, वो काम करता है। हम इन दोनों लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और ये किस तरफ हमें ले जाता है। क्या बाल विवाह आज देश की बड़ी समस्या है और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है? तो सबसे पहला सवाल मैं शमीना जी आपसे करना चाहूंगा कि आप पूर्व सदस्य रही हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ये जो बाल विवाह की समस्या है हिंदुस्तान के अंदर, जो बहुत पुराने से चलती चली आ रही है और लगातार इस पर कोशिश की जा रही है काम करने की, तमाम नारे दिए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद भी जमीन पर कुछ बदलता क्यों नहीं नजर आता? देखिए, अगर नारे देने से तस्वीर बदल रही होती तो बेटियों के हालात, मैं बहुत पुरानी बात तो 70 साल की तो नहीं करूंगी, 7 साल में तो बदल गए होते, क्योंकि हर जगह ये बोला जा रहा है, ये लिखा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असल बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है बाल विवाह, खासतौर से एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और कानून बनाए गए, कानून में अमेंडमेंट भी हुए, मगर अगर आप हकीकत जानना चाहते हो तो सिर्फ एक रिकॉर्ड ये उठाकर देख लीजिए कि बाल विवाह अधिनियम के तहत कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई और उसमें कितने लोगों को सजा हुई। अगर सिर्फ ये आंकड़े आप पढ़ ले, पीछे 10 साल के पढ़ लीजिए, ज्यादा मत जाइए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कानून बना देने मात्र से अगर जो घटनाएं हैं या जो अपराध है अगर वो रुक जाता, तो मुझे लगता है भारत जो है उसमें सबसे ज्यादा सख्त कानून है जब महिला हिंसा विरोध की बात होती है, खासतौर से निर्भया कांड के बाद, 2012 के बाद जितने अमेंडमेंट्स हुए। तो हम यहाँ क्योंकि सिर्फ चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ उसकी बात करूंगी। तो ये कानून बना देना मात्र किसी चीज, किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसको बैकअप कितना बजटिंग सपोर्ट से मिल रहा है, उसको सीरियसली कितना जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो अभी जब कभी कोई ऐसी बात होती तो NCPCR निकल कर बात सीधे आ जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है वो कितना निर्वहन कर रहा है, बजट हर डिस्ट्रिक्ट में क्या आ रहा है और उसका यूटिलाइजेशन इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में कितना हो रहा है। अगर सिर्फ इसकी बात कर ली जाए, इसका एक ऑडिट, सोशल ऑडिट कर दिया जाए, तो हमें प्रशासन या शासन या सरकारें कितनी गंभीर हैं हमें इसका अंदाजा लग जाएगा। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब कभी कोई ऐसा मुद्दा उठता है, कोई ऐसा मीडिया, आप मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा केस उठा लेते हैं या कोई ऐसी चर्चा का विषय बन जाता है, तब तो सरकारें नीजर्क रिएक्शन में कुछ काम कर देती हैं। मगर अगर एक आम जिंदगी की बात करें, क्योंकि बाल विवाह ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर महीना होता है जिसमें बाल विवाह पूरे भारतवर्ष में ज्यादा हो रहा हो, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग समय पर आप देखिए निरंतर ये केसेस निकल कर आते हैं। तो ये निरंतरता जो केसेस की है उसको रोकने के लिए जो हमारी प्रणाली है पूरी की पूरी सरकारी तंत्र, उसकी निरंतरता क्या है ये देखना पड़ेगा। चिप्स का पैकेट कोई लॉन्च होता है या गैस की सब्सिडी की बात आती है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो लगा दिए जाते हैं, चाहे वो कितने सच हो चाहे कितने झूठ हो, मगर महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ बाल अपराध पे अगर कोई कानून है,
क्या उसको रेल के गाड़ी के अंदर या सरकारी बसेस में या जितना भी हमारा प्रचार माध्यम है उस पे लिखने में कौन रोकता है? क्या वजह है कि सरकारें उस पर इतना बल नहीं देती कि हम लोगों को जागरूक करें कि बाल विवाह करने से नुकसान क्या है? सिर्फ ये कह देना कि बाल विवाह गलत है, सामाजिक कुरीति है, उसको दूर करने के लिए हमें समाज को समझाना पड़ेगा कि उसका प्रभाव लड़कियों के मानसिक या शारीरिक स्थिति पे क्या पड़ता है। सरकारें उसको लेकर बात नहीं करती। जी भारती जी, आप भी बताइए, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आपको क्या कारण लगता है कि इतनी बड़ी समस्या जो इतने समय से जिस पर बात हो रही है, हर सरकार आकर के इस पे बात करती है, हर सरकार बोलती है कि हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाल विवाह हो रहा है हमारे समाज में। क्या इसके पीछे मुख्य समस्या लगती है, क्या ये सामाजिक समस्या ज्यादा बड़े स्तर पर है, या फिर सरकारी नीतियों और सरकार की जो मंशा है, इस पर पहला सवाल होना चाहिए। जी देखिए, दोनों ही बातें हैं। और अगर हम बाल विवाह को समझना चाहते हैं तो इसके कई प्रारूप हमें समझने होंगे, और ये भी समझना होगा कि कुछ नए कारण भी जुड़े हैं। पहले तो जो रूढ़िवादी एक सोच है वो जूं के त्यों बनी हुई है, बल्कि और ज़्यादा हम उस रूढ़िवादी सोच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारा पूरा अस्तित्व, पहचान जो है, हमारे धर्म और हमारी परंपराओं से जुड़ गया है बहुत बुरे तरीके से। तो उस रूढ़िवादी सोच को, उन परंपराओं को हम छोड़ नहीं पा रहे। दूसरी चीज़ें जो समस्याएं जुड़ गई हैं वो है महिलाओं की सुरक्षा। तो जब माता पिता को लगता है कि हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे ज़्यादा समय तक, तो एक विकल्प वो ढूंढते हैं कि कम से कम हमारे तरफ से वो बोझ दूर हो जाए, हम उसका विवाह कर दें। और फिर जो है, कहीं ये भी महसूस होता है कि शायद विवाहित लड़कियां ज़्यादा सुरक्षित हों, तो जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। तो ये नई समस्या एक जुड़ी है। एक और नई समस्या जुड़ी है, जो हमारे बच्चे जो है, किशोर किशोरियाँ खुद से विवाह कर लेते हैं, प्रेम संबंध में आते हैं। उसके भी कई कारण हैं। जब घर में बहुत सारा वायलेंस होता है, बहुत हिंसा है, तो बच्चे उस हिंसा से दूर भागने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर कोई साथी मिल रहा है शायद वो एक बेहतर जीवन होगा। और भी कई कारण हैं जो बच्चे बच्चियां आकर्षित होती हैं एक तरफ, और एक उम्र में जो है वो आकर्षण फिर उसको अगर आपको लीगलाइज करना है, क्योंकि समाज तो ऐसे उस आकर्षण को नहीं अपनाएगा, तो उसको अगर आप चाहते हैं कि समाज अपनाए तो आप विवाह कर लेते हैं। तो ये बहुत सी जो नई चीज़ें और कारण जुड़े हैं, इन्हें भी व्यापक रूप से हमें समझना होगा। दूसरी ओर हम कानूनी ढांचा जो है ऐसा बनाते चले जा रहे हैं जो सख्त तो हो रहा है, लेकिन उस सख्ती का जो परिणाम है वो भी हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब अगर हम कहते हैं कि बाल विवाह निषेध कानून है, अगर बच्चे खुद से विवाह करते हैं तो क्या उन्हें उन्हें किस प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये देखना ज़रूरी है। विवाह कर लिया बच्चों ने, अब लड़का जेल में है, लड़की को किसी संस्था में भेज दिया गया, वो अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती, ससुराल आप उसको भेजेंगे नहीं, तो क्या परिस्थिति हो जाती है वो देखना ज़रूरी है, और वो कानून की बनाई हुई परिस्थिति है। दूसरी तरफ हमने पॉक्सो जैसे कानून लाए जो ये कहता है कि किसी भी नाबालिग लड़की के साथ या लड़के के साथ अगर यौन संबंध है तो वो एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस है, यानी आप चाहें या ना चाहें उसकी रिपोर्ट पुलिस को करना ज़रूरी है और वो केस चलेगा ही चलेगा। तो और बाल विवाह जो है वो जो है ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड नहीं है, उसके निरस्तीकरण की एक अलग प्रक्रिया है। अगर कोई बाल विवाह में नहीं रहना चाहता तो उसे निरस्त कराने की अलग प्रक्रिया है। तो अपने आप में वो एक वैलिड मैरिज है, इनवैलिड मैरिज नहीं है एक बार विवाह हो जाता है। दूसरी तरफ पॉक्सो कानून है, तो एक विवाहित नाबालिग बच्चा या बच्ची कहाँ जाए, कहाँ से उसको न्याय मिलेगा, तो हमारे कानूनों में वो नहीं मिल रहा है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज तक बाल विवाह कानून जो है पूरे रूप से लागू नहीं हुआ है। चाहे कितने ही प्रोहिबिशन ऑफिसर आपने बना दिए हों, आप बाल विवाह को रोक नहीं पाते। रोकने के लिए एक इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर लेने की ज़रूरत होती है मैजिस्ट्रेट से, कहीं भी वो स्टे ऑर्डर नहीं लिया जाता।
पारंपरिक तरीके से, फिर से एक अनौपचारिक तरीके से एक अंडरटेकिंग लिया जाता है माता पिता से कि हम अपने बच्चों का विवाह नहीं करेंगे। उस अंडरटेकिंग की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन एक प्रेशर बना दिया जाता है माता पिता पे कि आपने लिखित में दे दिया है तो आप विवाह नहीं करेंगे। पर कुछ समय बाद फिर से वो विवाह की प्रक्रिया में आ जाती है बच्ची। तो हम कानून को लागू नहीं कर पाए हैं, कानून ने इस समस्या का जवाब कभी नहीं दिया है। इसका जवाब कानून से परे और कई प्रतिक्रियाओं और प्रक्रियाओं में है जिस पर जोर देने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि जो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। एक उम्र से अगर हम बच्चों को ज्ञान देना शुरू करें शरीर के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में, उनकी क्या भूमिका है, अगर हम ध्यान देना शुरू करें, बच्चों के साथ बात करना शुरू करें रिलेशनशिप्स के बारे में एक उम्र के अनुसार, तो ये बातें करना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ उनके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ राइट्स पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को दबा के रखेंगे तो, बस मैं ज़रा से अपना ख़त्म कर लूँ बात, अगर हम इन चीज़ों को दबा के रखेंगे तो जो बच्चे विवाह में हैं वो मान लीजिए लड़की फिर गर्भवती हो जाती है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे इस डर के मारे कि कहीं कानून का कुछ और रुख ही ना हो जाए। तो ये पेचीदियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, आपने इस चीज का जिक्र किया, यही मेरा अगला सवाल है शमिना जी आपसे। मेरा सवाल है कि अभी हमने 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया, उसी दिन सेव द चिल्ड्रन ने एक रिपोर्ट निकाली है, पब्लिश की है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि पूरे विश्व में गर्भाधारण जो बाल विवाह के बाद होता है उस वजह से पूरे विश्व में 22,000 बच्चियों की जान चली जाती है, और अगर प्रतिदिन के हिसाब से बात करें तो 60 बच्चियों की जान प्रतिदिन चली जाती है इसी वजह से जो ये गर्भाधारण होता है बाल विवाह के बाद। ये कितना चिंताजनक है और क्या आगे कुछ आपको रास्ता समझ में आता है कि इसके आ जाने के बाद, रिपोर्ट आ जाने के बाद, क्या ये चेतावनी है हमारे लिए कि अब भी वक्त है, अब भी क्या समाज चाहे तो सुधर सकता है? देखिए, ये निश्चित तौर पे एक चेतावनी है और मुझे लगता है कि न सिर्फ सरकार को बल्कि जितने भी सामाजिक संस्थान हैं या जितने भी ऐसे लोग आज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। मगर उस जिम्मेदारी में सबसे बड़ा जो कदम है वो तो सरकारों को ही उठाना पड़ेगा और उसमें यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। मैं बदकिस्मती की बात है, मैं बात बार बार दोहराती हूँ कि महिलाओं की, अभी मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी सेहत की अगर बात होती है, सरकारें बात करती हैं तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल के आसपास ही बात करती हैं। इसका मतलब महिलाओं की जो सेहत है वो उनके रिप्रोडक्शन का जो उनको भगवान ने या अल्लाह ने जो उनको एक कुदरत ने सौंपा है उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसके बियॉन्ड कोई बात नहीं करता कि महिलाओं को और कितनी बीमारियां होती हैं। अब बच्चों पर आइए तो बच्चियां जो खास तौर से अंडर एज है, जो भी रिपोर्ट आई है जिसमें क्राई ने भी कुछ आंकड़े दिए हैं और सेव द चाइल्ड ने भी कुछ आंकड़े दिए हैं, तो आप गर्ल चाइल्ड डे साल में एक बार सिंबॉलिक में तौर पे मना लीजिए, इंटरनेशनल और चाहे नेशनल एक बार मना लीजिए, उससे समस्या का निदान नहीं होने वाला है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि समस्या जो है वो हमारे आजू बाजू है, इर्द गिर्द है। सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस करके अगर ये समस्याओं का निदान हो रहा होता तो शायद तब का हो चुका होता। दूसरी बात, कोरोना की दो वेव्स के बाद हमें समझना पड़ेगा कि इस समय गांव में खास तौर से और शहरों में मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार की बात करना बता रही हूँ, जनरली क्या होता है कि जब चाइल्ड मैरिज की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि शायद अनपढ़ लोग या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चियों की शादियां जल्दी हो जाए। जी नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार, मेरी खुद कितने परिवारों से बात हुई है जो ये चाहते हैं कोरोना के बाद खास तौर से कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी वो पूरी कर लें, क्योंकि एक शिक्षा का 2 साल में जो हाल हुआ है वो हम सबको पता है, बेरोजगारी का जो हाल हुआ है, तो उनको लगता है ये एक जिम्मेवारी है, बोझ है। जो अभी हमारी को पैनलिस्ट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, हकीकत में वही शब्द का इस्तेमाल होता है कि एक बोझ है, इससे हम जितनी जल्दी पार पाए उतना अच्छा है। अब इसमें किसकी रोल ज्यादा हो जाएगा, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आशा बहुएं जो है, आंगनबाड़ी जो है, उनके माध्यम से जब हम गांव गांव घर घर भेजते हैं, हमारे पास
पूरे आंकड़े होते हैं कि किस परिवार में कौन सी बच्चियां हैं जो शादी लायक हैं या उससे कम उम्र की हैं, 15-16 के ब्रैकेट में, 14 के ब्रैकेट में। क्या वजह है कि हम मैन टू मैन इस किस्म से कोई मैकेनिज्म नहीं शुरू करते जहां पर हमें ये पता चले एक गांव में, जहां पर जब इलेक्शन होता है तो पूरा का पूरा तंत्र उतर जाता है क्योंकि उसकी गंभीरता को समझता है। अगर इस समस्या की गंभीरता को समझे और पूरा तंत्र उतर के एक बार मैपिंग कर ले कि भाई किन कौन से बच्चे ऐसे हैं और उनका जाकर काउंसलिंग की जाए, और खास तौर से जो गर्भधारण होता है चाइल्ड मैरिज के बाद उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर उसके बारे में बात की जाए, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की जाए, अपनी बॉडी को जानने के बारे में बात की जाए, तो आज भी बहुत बड़ा टैबू है, न सिर्फ गांव में बल्कि छोटे शहरों में भी बहुत बड़ा टैबू है। और ये जो मीडिया जो माध्यम है हम सबके फोन्स में है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उसके वजह से बच्चे ऑलरेडी प्यूबर्टी एज बहुत कम हो गई है। पहले जो प्यूबर्टी होती थी 14 साल में लड़कियों को, 15 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती थी, आज आप माँ बाप से बात करिए 6-7 साल तक की उम्र तक की लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो रही है। पेरेंट्स बहुत परेशान है इस बात को लेकर, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है जो वो पूरी करे। तो हम एक तरफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं मगर हमारी जो असल में जो जो रिवाज है उनमें जो खोखलापन है जिनसे हमें आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है उस पे अपनी गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। हमसे पहले लोगों ने किया, सती व्यवस्था पे जब काम किया तो भरपूर काम किया और उसको इरेडिकेट किया। क्या वजह है कि चाइल्ड मैरिज जैसी, हम सिर्फ एक समस्या की बात कर रहे हैं, मैं और समस्याओं की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन हो, चाहे वो और जितने भी ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे वो जितने भी सामाजिक कल्याण विभाग हो, उन सब के रहते हुए भी ये एक कुरीति पे हम काबू नहीं पा पा रहे। इसका मतलब कहीं हमारे दृढ़ निश्चय में कमी है, कहीं हमारा हम उस चीज को उतना सीरियसली प्रॉब्लम ले नहीं रहे। देखिए समस्या का समाधान तब निकलता है जब समस्या का एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे उसके साथ फैक्टर्स जुड़े हुए, राजनीति भी जुड़ी हुई है, लोगों को अपने क्षेत्र में ये भी देखना है कि कहीं समाज नाराज ना हो जाए, तो हमें क्यूमुलेटिव एक्शन मल्टीपल एक्शन को ले करके एक टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा और समाधान हो सकता है। ज्यादा नहीं पागेंगे, समस्या का समाधान हो सकता है अगर सारी बॉडीज में सिनर्जी हो और सबका मकसद एक हो कि इस समस्या को हमें जड़ से उखाड़कर फेंकना है। बिल्कुल भारती जी, मेरा सवाल आपसे है कि शमीना जी ने सरकार का भी जिक्र किया, अभी राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने बिल पास किया कि जिसमें कि उन्होंने बाल विवाह के भी रजिस्ट्रेशन की बात की, शादी के रजिस्ट्रेशन के साथ। इस तरीके के बिल को, इस तरीके के प्रस्ताव को बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। वो कह रहे हैं कि राज्यपाल से हम कहेंगे कि इस पर हस्ताक्षर करके इसे एक्ट ना बनाए, लेकिन क्या इस तरीके की चीजें किया जाना एक सरकार द्वारा किस तरीके का संदेश देता है समाज को? देखिए, एक तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि राजस्थान सरकार की क्या मंशा थी उस तरह का कानून लाने की। हालांकि वो बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि ये अभी सोचा है राजस्थान सरकार ने, 2009 से इस तरह के कानून की बात चल रही है। पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की कुछ अपनी खामियां हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता या उसका विवाह रजिस्टर नहीं हो पाता, क्योंकि आज तक हम बर्थ रजिस्ट्रेशन भी 100% सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो विवाह का रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। अगर उसके पास नहीं हो पाता वो रजिस्ट्रेशन, तो क्या हम उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर देंगे? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जो बच्चे खुद से अपने विवाह कर रहे हैं, उस केस में अगर माता पिता जो है लड़के के खिलाफ कोई केस दर्ज करते हैं पॉक्सो एक्ट में, तो क्या वो लड़का फंस जाएगा सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने अपना विवाह रजिस्टर करवाया है? तो वो भी एक पहलू है जिसको देखने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे पहलू हैं जिनको आज के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। अगर मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास जैसे आंकड़े आ जाते हैं वैसे ही आंकड़े आ जाएं कि कितने विवाह पंजीकृत हो चुके हैं, तो वो जो है आप वैसे भी वो मकसद हल आप पा सकते हैं बिना इसको कंपलसरी किए। कंपलसरी नहीं होना चाहिए। कंपलसरी का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी सेवाओं से
वंचित रह जाएंगे या और ज़्यादा क्रिमिनल एक्शन उनके प्रति हो सकता है। तो ये पहली बात। दूसरी बात जो शवीना जी कह रही थी, मैं उनसे काफ़ी इत्तेफाक रखती हूँ, और जब उन्होंने शिक्षा पर कोविड के संदर्भ में जोर दिया कि कितनी बच्चियां स्कूल से वंचित हो गई हैं, असल में बाल विवाह का निचोड़ अगर या तोड़ अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो शिक्षा में है। हम जितना बच्चियों को शिक्षा से जोड़े रखेंगे, बच्चों को और बच्चियों को, लड़के भी जो है स्कूल छोड़ रहे हैं और बल्कि ज़्यादा तादाद में लड़के स्कूल से बाहर आ रहे हैं, तो हम जितना इन्हें शिक्षा की प्रणाली से जोड़ कर रखेंगे उतना ही हम विवाह की उम्र को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारी शिक्षा प्रणाली पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के संबंध में अगर हम रिपोर्ट देखें एसर की, तो वो बताता है कि लर्निंग लेवल्स बहुत गिर चुके हैं बच्चों के, यानी कहीं ना कहीं क्वालिटी गुणवत्ता शिक्षा नहीं है, टीचर्स ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे, इस पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है। एक समय था जब हम सिर्फ स्वास्थ्य की नज़र से बाल विवाह को देखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज हमें स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों नज़रिए अपनाने पड़ेंगे। जी, इसमें शमीना जी मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो बाल विवाह में सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो लड़कियों का शोषण हो रहा है। अगर हम तुलना करें लड़के से अधिक शोषण हो रहा है। इसमें समझने वाली बात यह कि अगर हम एनसीआरबी के भी आंकड़े उठा के देखते हैं 2020 के, तो उसमें पाते हैं कि 99% जो पीड़ित लोग हैं वो महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं, उसमें 99% हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या ये हमें समझना चाहिए कि इसमें भी बाल विवाह के अंदर भी क्या शोषण का केंद्र अभी भी महिलाएं बच्चियां ही हैं? देखिए निश्चित तौर पर ये तो आंकड़े बता रहे हैं, इसको कहने के लिए मतलब कोई अलग से और जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि चाहे आप जितने भी आप अपराधीकरण की बात करें, समाज में किसी भी बात अपराधीकरण की बात करें, तो ऑलमोस्ट 70-80% उसमें महिलाएं या बच्चियां जो है वो ही विक्टिमाइज होती हैं, और उन्हीं का डबल विक्टिमाइजेशन होता है। अभी अगर चाइल्ड मैरिज फोर्स्ड है भी और उसके बाद जो जो एक्ट कहता है कि एक बार आप बालिग हो गए तो यू कैन वॉक अवे फ्रॉम योर मैरिज, उसमें भी अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो लड़की को भुगतना पड़ेगा, लड़का थोड़ी भुगतेगा, लड़की ही भुगतती है। जो जो ऑलरेडी एडल्ट्स हैं वो जब शादी में जा रही हैं लड़कियां, तो घरेलू हिंसा के आंकड़े, फिर मैं कोरोना का नाम लूंगी, अगर उसके बाद आप देखें तो कितने बढ़ गए हैं, महिलाएं झेल रही है ना। तो शिक्षा के लिए जो अभी कहा, एक्चुअली वहीं से रास्ता निकलता है, शिक्षा से ही रास्ता निकलता है, और हमें स्लोगनिज्म से ऊपर बढ़कर जमीन पर क्या काम हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देने मात्र से कि हमने कानून बना दिया, हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रोविजन बना दिया, हमने ये स्कीम बना दी, हमने ये स्लोगन दे दिया, इससे काम अगर चल रहा होता तो हमारी बेटियां सुरक्षित होती। और मैं बेटी पे बात याद आई तो मुझे तो अपने आप में ये नारा ही बहुत रिग्रेसिव लगता है जो कहता है बेटी बचाओ। हमने ऑलरेडी समाज में बेटियों की स्थिति ऐसी बना दी है कि इन्हीं को बचाना है, और बचाने से आसान तरीका माँ बाप को लगता है शादी कर दो, बच गई बेटियां। तो ये जो मानसिकता है, आई एम सॉरी बट आई फील इट्स अ वेरी रिग्रेसिव नारा, जहां पर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाओ और बेटों को पढ़ाओ, हकीकत ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर समाज में बेटियां पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे, बेटों का लड़कों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है स्कूल्स में, और उसकी वजह से बेरोजगारी है, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। गांव में अगर आप चले जाइए बेरोजगारी है, तो शहरों में बेरोजगारी है। हम फ्री जो मोबाइल बांट दिए गए नेटवर्क है, उसमें बेहुदा फिल्में कई बार बच्चे देख रहे हैं, कई बार जिस पे उनको एडल्ट गाइडेंस नहीं है वो कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन अर्ज है, उसमें कई बार बच्चे गलत काम करते हैं, तो उनकी एजुकेशन। अब जब हम सरकारी शिक्षा नीति पर आते हैं तो वहां सब्जेक्ट ही पढ़ा दिया जाए बहुत बात है, वैल्यू एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं होती ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ढांचा जो है इसको दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। जो चीज सालों से काम नहीं कर रही हम उसी की लकीर अगर पीटते रहेंगे, और उससे भी बड़ी बात, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई और प्रदेश हो, ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो उठाई है और बाल विवाह को रोका है, अपने इर्द गिर्द रोका है और कई बार अपना रोका है।
क्या वजह है कि हम उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनका इस्तेमाल करके हम उनके साथ उन्हीं के जिलों में उनके जनपदों में काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ फाइल पर काम कर देने से या जैसा मैंने कहा स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन इन टोटालिटी, उसके नुकसान क्या है, बाल विवाह के क्यों नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो आपको कितनी सजा का प्रावधान है और आपके शारीरिक और मानसिक विकास पर कितना बड़ा नुकसान है, ये सब पढ़ाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगना है। टीवी पे हर 10 मिनट पे देश के प्रधानमंत्री जी या मंत्री जी की शक्ल दिख सकती है, तो हर 10 मिनट पे इन कानूनों के बारे में शिक्षा भी दी जा सकती है। सिर्फ 11 तारीख को या 9 तारीख को महिला या बालिका दिवस मनाने मात्र से ये कुरीतियां नहीं रुकने वाली हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के माध्यम से हर 10 मिनट पे, हर आधे घंटे पे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, खासतौर से बच्चियों के खिलाफ, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। एक लास्ट बात कहना चाह रही हूँ, विरोधाभास भी है हमारे कानूनों में। एक तरफ हम कम उम्र की जो 18 से नीचे है, शादी अगर हो जाती है तो वो नल एंड वॉइड नहीं होती, वो व्यस्क हो जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि नल एंड वॉइड है या नहीं, हमें इस शादी में रहना है या नहीं रहना है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो आप सजा का प्रावधान है। तो ये जो विरोधाभास है हमारे खुद के कानूनों में, इन पर मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर डिस्कशन हो के 4 कानूनों की जगह एक कानून हो, सॉलिड हो, उसके पीछे बजट हो ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो पाए और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। मतलब किसी एक सरकारी पदाधिकारी को एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर प्रोबेशन ऑफिसर बना दें या प्रोटेक्शन ऑफिसर बना दें, उससे काम नहीं चलने वाला। घरेलू हिंसा में देख लीजिए प्रोटेक्शन ज्यादा हुआ है, बिल्कुल के लिए गाड़ी नहीं है, कहते मैडम साधन नहीं है, आ जाता है गाइड कर देते हैं। आप देखिए चीजें जब सब हम नजर आ रही है तो क्या आपको नजर नहीं आ रही है? जी जी शमीना जी, भारती जी, मेरा आखिरी सवाल इस पूरी बातचीत का कि अब हमारे सामने बहुत स्पष्ट चीजें हैं, हमें दिख रहा है कि कहाँ किस तरीके के हालात हैं, ये रिपोर्ट साफ साफ बता रही है, अब इसके आगे क्या हमें आशावादी होना चाहिए कि जो ये स्थिति है, जो गंभीर स्थिति बनी हुई है अभी भी बाल विवाह की, क्या इस स्थिति में आपको भविष्य में कुछ बदलाव होता नजर आ रहा है? आशावादी तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि समस्याएं हमेशा रहती हैं, लेकिन हमें काम करना नहीं छोड़ना उन समस्याओं को लेकर के। और मुझे आशा और भी कई चीज़ों से आती है, पर मैं उस पर आने से पहले सिर्फ एक अपना भिन्न व्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये वॉइड और वॉइडबिलिटी को लेकर के, बाल विवाह को। एक दिक्कत है कि अगर हम सारे बाल विवाह को नल एंड वॉइड कर देते हैं सो बहुत सी बच्चियाँ जो हैं वो फिर से कहीं ना कहीं बहुत सारे सर्विसेज और योजनाओं से वंचित हो जाएंगी। तो अगर हम उसको वॉइडेबल रखते हैं, जो बच्ची उससे निकलना चाहती है कम से कम उसके पास वो एक ऑप्शन रहेगा कि वो उससे निकल सकती है, हमें सिर्फ उनको जागरूक करने की ज़रूरत है उसके बारे में कि ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आपको इस समय तक इजाज़त है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, यानी कि जब आप बालिग हो जाते हैं उससे 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की इजाज़त है, तो वो हमें अवेयरनेस फैलानी है। अब आपके सवाल पे अगर मैं आऊँ तो मेरी आशा जो है मीडिया से ही कहीं ना कहीं आती है। मैं जब देखती हूँ कि अक्षय कुमार सैनिटरी पैड्स को लेकर के कुछ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पर काम करते हैं और एक एक बदलाव दिखता है, तो इस पर क्यों नहीं किया जा सकता काम? तो हमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है और मीडिया उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ पब्लिक शेमिंग भी, कि जब आपको दिख रहा है कि लोग मान ही नहीं रहे फिर भी इस तरह के बाल विवाह, जब जबरन बाल विवाह करवा रहे हैं अपने बच्चों के, तो कहीं ना कहीं पब्लिक शेमिंग हमको करनी होगी। और आज सोशल मीडिया हमको इतनी शक्ति देता है कि हम उस तरह की चीज़ कर सके एक कॉज के लिए, खाली कैंडल लाइट लेकर के डेथ पेनल्टी मांगने के लिए नहीं, हमको इन चीज़ों के लिए भी बाहर उतने ही तादाद में आकर के बात करनी होगी। तो मुझे वहाँ एक आशा नज़र आती है। और जैसे मैंने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों पर तो और काम करने की ज़रूरत है ही, बच्चों को, किशोर किशोरियों को
बहुत एम्पावर करके आगे उनके साथ उनकी बात भी समझ करके नीतियां बनाने की ज़रूरत है। हम हवा में नीतियां बना रहे हैं, हम इन बच्चों से बात ही नहीं कर रहे जिनके जीवन के बारे में हम इतने परेशान हैं। तो वो भी एक बड़ी पहल होगी कि हम कम से कम उनसे तो वार्तालाप करें जिनके जीवन की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे समाज को, हर एक इकाई को साथ आना पड़ेगा ऐसी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।